कुछ चीजें समझ लो, ठीक है। अब दो मोशन के बारे में बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में और एक वर्टिकल मोशन के बारे में, ठीक है जनाब। हाँ, तो अगर ये बॉल अगर ऐसे मोशन परफॉर्म कर रहा है तो दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं, बहुत सारे इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशंस एट द ऑपोजिशन, लीनियर वेलोसिटी एट द ऑपोजिशन, लीनियर वेलोसिटी एट द लोवेस्ट पोजीशन, लीनियर वेलोसिटी एट द मिडवे पोजीशन, मतलब यहाँ कितनी वेलोसिटी, यहाँ कितनी वेलोसिटी, यहाँ कितनी वेलोसिटी होती है वो, ठीक है। ये तो 12 का पार्ट है, हम लोग पहली लेसन में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जेक्ट भी नहीं बदलेंगे, ना फोर्स बदला जाएगा, ना स्प्रिंग बदलेगी, ना बॉल बदलेगा, ना कोई चीज बदलेगी, बस मैं फोर्स लगाने का तरीका बदल देता, ठीक है। फोर्स लगाने का तरीका मतलब ऑब्जेक्ट पे फिक्स पॉइंट ऊपर, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे मूव कर लेता हूं, दिस इज कॉल्ड एज स्पोनिकल बेंडिंग। अगर तुम अच्छे से देखो तो जो बॉल है, बॉल को बोलेंगे हम लोग बॉब यहां पे, so this bob performing horizontal circle while the spring performing cone, spring kya perform kar rahi hai, to cone wali ice cream khayi hai, wo to nahi batani padti, to cone wali ye kya cone ka shape bana raha hai, ye bana raha hai, so this is called as conical pendulum, kya kehte hai isko, conical pendulum tab hota hai jab object horizontal circle perform kar raha hai, so it performing horizontal circle and this string kya perform kar rahi hai, cone स्क्रीन क्या परफॉर्म कर रही है। और अब सिंपल सी बात है, फिर से मैं ना ऑब्जेक्ट बदलता हूँ, ना चीज कोई चीज बदलता हूँ, मैं सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन बदल देता हूँ, नॉट सी, दिस इज सिंपल पेंडुलम। ये क्या है? अब सिंपल पेंडुलम में ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो स्ट्रेट में है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा है? स्ट्रेट मोशन है, क्लियर, मतलब इट परफॉर्मिंग अ लीनियर पाथ, ठीक है। सो अगेन ये ऑब्जेक्ट वैसे ही, सारी चीजें वैसे ही, अब इसका मोशन, इसका फोर्स बदल दिया, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू अ कोनिकल पेंडुलम, दिस इज कन्वर्टेड इनटू कोनिकल। अच्छा, अब ये जो बॉल है किससे अटैच किया है मैंने? स्प्रिंग से। किससे? स्प्रिंग बोले तो रस्सी, ठीक है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को रस्सी बांधी जाएगी और उसको ऐसे रिलीज कर किया जाएगा तो इसमें जनरेट होता है क्या? टेंशन। क्या जनरेट होता है इसमें? 1, 2, 3, 4 चौथा बेंच पूरे पुस्तक में मिल जाएंगे। हाँ, बाहर उठा दे सामने, सारी चीजें ध्यान रखनी है। हाँ, कहाँ था मैं? सिंपल पेंडुलम में, ठीक है। हाँ, सो जब भी कोई चीज हम लोग ऐसे छोड़ दें तो ये स्प्रिंग में क्या जनरेट होता है? टेंशन। क्या जनरेट होता है? टेंशन। कैसे जनरेट हुआ इसका एग्जांपल देखना, तो देखो कि अगर मैं इसके बीच में फोर्स लगा देता हूं तो परफॉर्म वाइब्रेशन, क्या परफॉर्म कर रही है? सो दिस परफॉर्मिंग वाइब्रेशन, सो दैट मींस इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंग द टेंशन इज जनरेटेड, और टेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, टेंशन इक्विवेलेंट टू फोर्स, और टेंशन हमेशा जनरेट होता है टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, टुवर्ड द फिक्स पॉइंट। ये बेसिक चीजें ध्यान में रखेंगे हम लोग। जब भी हम लोग सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करो, या कोनिकल पेंडुलम के बारे में बात करो, या वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में बात करो, सो दिस इज अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, इसके लिए इक्वेशन हम लोग बारहवीं में देखेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन हम लोग देखेंगे अभी, दैट इज कोनिकल पेंडुलम के लिए, मतलब इसके लिए कौन सी वेलोसिटी होगी, क्या क्या होगा, पीरियडिक टाइम कितना होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और फिर इसके बाद में जब भी अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसके इसमें स्प्रिंग में क्या जनरेट हुआ, एंड टेंशन इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, टेंशन हमेशा कितना होगा? इक्विवेलेंट टू फोर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, किधर रहेगा ये? हमेशा टेंशन किधर जनरेट होता है? टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, हमेशा टेंशन किधर जनरेट होता है? टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट। अब बात ये भी आती है कि भाई साहब की अगर दो दीवार है, दो दीवार के बीच में हम लोगों ने रस्सी बांध दी है ना, अब मैं मान के चलो अभी ये ऐसा है और मैंने इसको दोनों तरीके से फिक्स कर दिया, दोनों साइड से फिक्स कर दिया, अब टेंशन किधर जनरेट होगा? आपने तो बोला सर कि टेंशन इज ऑलवेज जनरेटेड टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, अब तो यहाँ दो फिक्स्ड पॉइंट है ना, अब दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं तो देखो टेंशन कैसे कैलकुलेट होता है या टेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है पहला, इधर ध्यान दो, दिस इज माय फर्स्ट फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज माय सेकंड फिक्स्ड पॉइंट, तो ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट का लिया जाएगा सेंटर, क्या लिया जाएगा? मतलब ये रस्सी का लिया जाएगा बीच में सेंटर, सेंटर से इधर वाले फिक्स्ड पॉइंट के लिए डायरेक्शन इधर हो जाएगा, क्लियर, और दूसरी तरीके से डायरेक्शन इधर। It means we have get the two direction of the tension. The tension which is generated from center to this point for this particular fixed position,
ठीक है, और यहां से टेंशन इधर वाले डिस्टेंस के लिए सेंटर से इधर की डायरेक्शन में हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ डायग्रामेटिकली चीज को समझे तो ये बीच में रस्सी आ गई, रस्सी के ये दोनों बीच में फिक्स पॉइंट कर दिया, फिक्स पॉइंट का बीच में सेंटर लेंगे, सेंटर से इधर लेंगे हम लोग, इसके लिए टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इधर फिक्स पॉइंट के लिए टेंशन का डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर? तो हो सकता है एक फिक्स पॉइंट हो टेंशन के लिए, ठीक है, स्ट्रिंग के लिए, या अदरवाइज दो फिक्स पॉइंट हो। तो एक फिक्स पॉइंट हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि टेंशन इज ऑलवेज जनरेटेड टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिंग को दोनों तरीके से दोनों साइड से बांधा गया है तो टेंशन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा कि सेंटर से इधर वाले हिस्सों के लिए इस डायरेक्शन से टेंशन जनरेट होगा और इस इधर वाले डायरेक्शन से इस साइड से टेंशन जनरेट होगा। समझ में आ गया? दोनों यहां से इधर बैठ पड़े, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मेरे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, तो यहां से यहां बढ़ जल्दी बैठ। हाँ, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं कोनिकल पेंडुलम के लिए। तो कोनिकल पेंडुलम के लिए एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम, पीरियोडिक टाइम मतलब कोनिकल पेंडुलम बनने के लिए कितना समय लगता है, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के लिए कितना समय लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, इसको ऐसे बोला जाए, ठीक है। सो एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, हम लोग ने पीरियोडिक टाइम जान चुका है, हम लोगों ने ग्रेविटेशन का हमने देखा था कि पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट जो टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। इसका मतलब ये होता है कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, उसको कहते हैं हम लोग पीरियोडिक टाइम ऑफ सैटेलाइट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम की भी एक जो बॉल है हमारा उसको ब्लॉक कहेंगे हम लोग। सो एक ब्लॉक को पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल कंप्लीट करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, ठीक है। इट मींस दैट द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कंप्लीट वन कोनिकल पेंडुलम, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल, एक कोनिकल पेंडुलम उसको कंप्लीट करने के लिए कितना समय लग रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। एंड अगेन सी हियर आल्सो इक्वेट इट्स टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन उसमें कितना जनरेट हो रहा है वो भी हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्या जो हेडिंग यहां लिखी है उसका मतलब समझा, क्लियर? तो देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर, मेरे को टी के लिए एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन फॉर टी, टी इज पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम, आल्सो इक्वेशन फॉर टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग। तो यहां पर भी टी होगा लेकिन ये टी टेंशन के लिए होगा और ये टी आपका पीरियोडिक टाइम के लिए होगा, क्लियर? चलिए तो हम लोग कोनिकल पेंडुलम के लिए लेना है, तो सबसे पहले कोनिकल पेंडुलम में अभी जो चीज बताई हुई है वो सारी डायग्रामेटिकली बनानी पड़ेगी हम लोग को। एक रिजिड सपोर्ट लेंगे, है ना, रिजिड सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट जो टाइम के हिसाब से बदलता नहीं है, ये पोजीशन लेंगे पीरियोडिक टाइम कोनिकल पेंडुलम का, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइट ऑफ द पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम और इसकी हाइट लेंगे हम लोग, सो एच ये फिक्स पॉइंट लेंगे, सो दिस इज पी इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, दैट मींस द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड एट द पॉइंट पी। अब ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म करने के लिए यहां से एक पॉइंट लेंगे हम लोग, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल है, डायरेक्शन आपका कुछ ये रहेगा होंगे, एंड इट इज रिवॉल्विंग विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस, ठीक है। अब ये मानते चलते कि पोजीशन है पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सो कंसीडर दिस इज ए इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है तो यहां से ये क्या है आपकी स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग में क्या जनरेट होगा टेंशन, और टेंशन किधर जो आगेगा टुवर्ड द फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट कहाँ है पी, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या ये हो जाएगा, अरे टेंशन का डायरेक्शन ये होगा ना, और यहां से ये हाइट होगी तो ये उसकी क्या हो जाएगी लेंथ, क्या हो जाएगी ये, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये होगी आपकी लेंथ, ठीक है। सो दिस इज द हाइट, एक्सेल हाइट कहता है इसको, एक्सेल हाइट, एच इज द एक्सेल हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ दिस कोनिकल पेंडुलम, क्लियर। और यहां से ये हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा है, और जैसे ही ये टी जनरेट हो गया, सो टी यहां जनरेट हो गया तो यहां उसको भी एंगल बनाना है, सो दिस इज योर थीटा, और ये थीटा का नाम हम लोग ध्यान रखेंगे थीटा, और देख मैंने यहां से आधे को लिया है इसलिए सेमी कहेंगे, वर्टिकल पोजीशन से लिया है इसलिए वर्टिकल कहेंगे, एंगल है इसलिए एंगल, और इसका एंगल है कोण का एंगल है इसलिए कोण कहा जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण, क्या कहते हैं इसको, थीटा इज द सेमी, सेमी इसलिए क्योंकि हम लोग आधे में लिए, ठीक है, सेमी वर्टिकल पोजीशन से लिए इसलिए वर्टिकल, एंगल है इसलिए एंगल, इसका है कोण का है इसलिए इसका पूरा नाम सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ
कोण, क्या कहते हैं इसको, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ चिवर, थीटा इज अ सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोण, पी इज द फिक्स पॉइंट, एच इज एक्सियल हाइट ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, टी इज अ टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग, एल इज अ लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग, ठीक है, और ए इज द पोजिशन फ्रॉम वेयर वी गेट द टेंशन, ठीक है। अब देखिए यहां से ये टेंशन क्या इधर भाग रहा है, एंड टेंशन इक्वालेंट टू, टेंशन इक्वालेंट टू, टेंशन इज इक्वालेंट टू फोर्स, और फोर्स का वेक्टर क्वांटिटी है, तो टेंशन भी कौन सी क्वांटिटी होंगी, वेक्टर। तो क्या ये भैया सेकंड क्वाड्रेंट में भाग रहा है, ऐसे देखे तो क्या ये रिजोल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में, अरे होगा क्या, तो इसका रिजोल्यूशन बोलो, क्या एक ऊपर, एक ऊपर जाएगा ना और एक इधर जाएगा, इधर, अरे क्लियर है क्या, ठीक है। अच्छा ये जो चीज मैंने निकाली, ये चीज है क्या, हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्या ये, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल सर्कल, और हॉरिजॉन्टल सर्कल का ओ मान लेते सेंटर है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल का ओ सेंटर है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल की कुछ ना कुछ तो रेडियस भी रहेगी, सो दिस इज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्लियर। हाँ तो यहां अब ये रिजोल्यूशन हो गया, एंगल ये थीटा, तो इन दोनों में से कौन सा एंगल थीटा होगा, ज्योमेट्री लगा बट सर, ये थीटा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा, ये की है, ये वाला एंगल थीटा होगा ना, ये एंगल होगा, ये थीटा, अबे ये वर्टिकल लाइन है, ये दो वर्टिकल्स लाइन है और यहाँ एंगल है, तो ये जो एंगल है थीटा, तो क्या ये भी तो एंगल थीटा बनेगा ना, तो वही तो मैंने वहां किया हुआ है अभी। हाँ जो थीटा, अब थीटा क्यों लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहां से मेरे को कंपोनेंट्स मिलता है, रिजोल्यूशन किसका हो गया, टी का रिजोल्यूशन हुआ ना, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया, ये कंपोनेंट क्या हो गया, चिल्लाने लगा दे फालतू, ये कंपोनेंट क्या हो गया, बोलिए कंपोनेंट क्या हो गया, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, स्मॉल आर क्या है तेरा, रेडियस ऑफ, चलिए अब ये जो डायग्राम हम लोग ने बनाई हुई, ये डायग्राम इसी का रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हम लोग यहाँ करेंगे, देख अच्छे से, अभी हम लोग कोनिकल पेंडुलम कर रहे हैं, तो कोनिकल पेंडुलम में सो दिस इज, ये देख एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घुमा रहा हूं इसको, ठीक है, ये देख बॉल कौन से डायरेक्ट, बॉल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, सो दिस बॉल इज परफॉर्मिंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हाइल द स्प्रिंग डिस्क्राइब द कोन, सो दैट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम, क्या कहते हैं इसको, कोनिकल पेंडुलम, डेफिनेशन फॉर कोनिकल पेंडुलम, conical pendulum is a simple pendulum in which the bob describes the horizontal circle and the string describes the cone. Bob क्या perform कर रहा है? Horizontal. String क्या perform कर रही है? Cone. String क्या describe कर रही है? Simple है. अच्छे से सुन ली इधर. Conical pendulum is a simple pendulum in which the bob describing the horizontal circle and string describing the cone is called as conical. अब देख, अब ये जब घूम रहा है तो मैंने इस पोजीशन के लिए इसको फ्रीज किया हुआ है, क्लियर, और इस पोजीशन के लिए एक टेंशन जा रहा है ऊपर, एक टेंशन जा रहा है टुवर्ड द सेंटर, और ये इसका खुद का मास होने के कारण इसका वेट भी जाएगा नीचे, वो जाएगा क्या, ठीक है, और जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कल परफॉर्म कर रहा था तो इसका कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, होगा क्या, और ये होगी उसकी एक्सियल हाइट, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दिखाई पड़ रहा है सभी, ठीक है, and when it is there is at this position, so tension किधर जा रहा है, toward the fixed point, toward the fixed point, चल देखा अभी इधर अच्छे से, हाँ, अब देख, अब ये object का position यहाँ पे है, तो यहाँ से नीचे की direction से कौन आएगा, weight, और weight कितना होगा, mg, weight कितना होगा, mg, भी समझ में आ रही है diagram, object का weight तो नीचे act होगा ना downward direction से, ठीक है, अच्छे से देख, तो वेट नीचे जा रहा है, उसके एक्सैक्टली अपोजिट टी कॉस थीटा जा रहा है, ठीक है, और ये टी साइन थीटा देख किधर जा रहा है, इट इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, ये टी साइन थीटा किधर भाग रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ, और टुवर्ड द सेंटर ऑफ कौन सा फोर्स भागता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, कौन सा फोर्स, क्लियर, तो जब सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स आ रहा है, सो दैट इज अ टी साइन थीटा, और ये जो वेट है, ये वेट ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है क्या, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है क्या, नहीं, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, टी कॉस थीटा, कौन बैलेंस कर रहा है, तो यहां से दो इक्वेशन बनेगी, देख फटाफट अभी, टी कॉस थीटा इज बैलेंस बाय एमजी, सो एमजी इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, क्या पहली इक्वेशन क्लियर होगी, और टी साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एमजी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू, जानते हो क्या फोर्स इज इक्वल टू मास एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर अपॉन आर, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने प्रीवियस वाली क्लास में उसको लिया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r,
सेंटीपेटल एक्सेलरेशन क्या v स्क्वायर अपॉन r है और फोर्स इज इक्वल टू क्या मास एक्सेलरेशन, तो f इज इक्वल टू क्या बना mv स्क्वायर अपॉन, ये इक्वेशन पहले भी तो बताई थी, सो दिस इक्वेशन फॉर सेंटीपेटल फोर्स, इसकी इक्वेशन है ये। और सेंटीपेटल फोर्स जो जा रहा है, सेंटीपेटल फोर्स ये किधर भागता है, टुवर्ड द सेंटर, और टुवर्ड द सेंटर यहां कौन सा फोर्स भाग रहा है, t sin थीटा, कौन सा फोर्स भाग रहा है, और t cos थीटा को बैलेंस कौन कर रहा है, वेट, कौन बैलेंस कर रहा है, क्या इतना क्लियर है सभी को। अब देख अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग अभी यहां से डेरिवेशन बनाएंगे इसका, तो ध्यान देंगे सभी लोग इधर अच्छे से सुनो। सी द डेरिवेशन, t cos थीटा इज बैलेंस बाय mg, ठीक है, वेट, सो t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। हां अब दूसरा फोर्स इधर जा रहा है, t sin थीटा इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दिस इज t sin थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2, क्लियर। हां अब ये दोनों इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर लेता हूं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, तो 2 बाय 1 कर दूं तो मेरा आ जाएगा t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा इज इक्वल्स टू t sin थीटा पहले है तो mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg, कोई डाउट यहां ना, तो यहां से देख td कैंसिल हो गया, अरे किसे कैंसिल हो गया, तो sin अपॉन cos, सो बन गया यहां पे tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या mm कैंसिल और ये r नीचे v स्क्वायर बाय जनाब RG को इधर ला लो तो बनेगी तेरी इक्वेशन v स्क्वायर की, v स्क्वायर इज इक्वल टू RG tan थीटा, v स्क्वायर इज इक्वल टू RG tan थीटा, और यहां से अगर मैं बना लूं तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, अंडर रूट ऑफ RG tan, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी, किसकी इक्वेशन है ये, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी ऑफ द कोनिकल पेंडुलम, या कोनिकल पेंडुलम बोलो जो, या अदरवाइज जो बॉल है जो घूम रहा था उसकी लीनियर वेलोसिटी होगी, सो दैट मींस v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, क्लियर। चलते सामने अभी, ठीक है, ज्यादा खुश मत हो जाओ, स्टार्टिंग है ये। हां तो यहां v इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा हो गया, अगेन वी नो दैट रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, जानते ही गए ये, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा एंड वी हैव द इक्वेशन फॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG tan थीटा, so v is equal to r omega, so v की जगह r omega put कर दे, so r into omega is equal to under root of rg tan theta, under root of rg, ठीक है, चलिए दोनों जगह पे स्क्वायरिंग कर दो, तो इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, so it is r square omega square is equal to rg tan theta, rg tan, what is theta here? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाट इज थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ, ठीक है, अच्छा यहाँ आर नजर आ रही है तो आर क्या दे रहा, रेडियस किसकी है, हॉरिजॉन्टल सर्कल, रेडियस किसका ये, ठीक है, और जी तो वैसे ही जानते हो तुम लोग, ठीक है, अच्छा ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, चल देगा इधर, so r square omega square is equal to rg tan theta, ठीक है, अब मैं डायग्राम नजर आ रही होंगी आपको, तो मैं यहां से tan theta निकल सकता हूं, ठीक है, what is the equation for tan theta, small r upon h, but tan theta small r upon h आएगा, but tan theta होता क्या, opposite side upon adjacent side, अरे होता है क्या, so tan theta is equal to opposite side upon adjacent side, theta क्या यहां पे, opposite side क्या ये है, क्या adjacent side ये है, जनाब ये हाइपोटेन्यूज, अरे यार तो क्या स्मॉल आर अपॉन एच, सो टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, स्मॉल आर अपॉन तो यहां रख दूं क्या, हां चले किधर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आर जी इनटू आर अपॉन, कोई दिक्कत है, ठीक है, चलेगा अगेन, सो दिस इज आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन आर स्क्वायर जी अपॉन एच, तो होगा क्या, इधर देखे इधर भी आर स्क्वायर उधर भी आर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर बस देख ओमेगा स्क्वायर बचा और यहाँ आ गया जरा जी अपॉन और ये ओमेगा स्क्वायर इधर चले गया, तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अच्छा ओमेगा अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, व्हाट इज ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा,
दिस इज द इक्वेशन फॉर एंगुलर वेलोसिटी. ये इक्वेशन किसकी बन गई? एंगुलर वेलोसिटी. चलो ये हो गया तेरा एंगुलर वेलोसिटी. मेरे को निकालना क्या है? पीरियोडिक टाइम. क्या निकालना है? पीरियोडिक टाइम. सो पीरियोडिक टाइम निकालने के लिए वी हैव द इक्वेशन के v इज इक्वल टू 2 पाई r / d होता है. v इज इक्वल टू 2 पाई r / d. अब डिस्टेंस / टाइम. और डिस्टेंस कितना होता है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. और सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होगा? 2 पाई r. और नीचे क्या आएगा? टाइम. अब मेरे को निकालना है पीरियोडिक टाइम. क्या निकालना है मेरे को? पीरियोडिक टाइम. चल जाना, t को इधर ले ले, v को इधर ले ले, ठीक है? सो t इज इक्वल टू 2 पाई r / d. 2 पाई r / d. समझ में आ रहा है? हां. चल देख, v का इक्वेशन पहले निकाल चुका हूं, देख इधर अच्छे से. और निकाल चुका है क्या? So put the value of v here. So we get the equation for v. Again, t is equals to 2 pi r / under root of rg tan theta. कोई डाउट? नहीं. अबे कोई डाउट है क्या? चलेगा अभी इधर, ठीक है? अब थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट और समझ ले. ये r को मैं इसके अंडर रूट के अंदर लेके आता हूँ. अब डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो मेरे को थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना पड़ेगा. अब रीएडजस्टमेंट कैसे? मैंने 2 पाई को जैसे को ऐसे रख दिया, कोई छिड़का नहीं 2 पाई के साथ. अब ऊपर वाला आर मेरे को अंडर के अंदर लेना है, तो मैं क्या कर लेता हूं? इसको ऐसे देख जरा, चलेगा? अबे चलेगा क्या? क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो वैसे तेरा आर बच गया, ठीक है? और इक्वेशन तेरी 2 पाई आर की जैसे के वैसे है. रीएडजस्टमेंट पता है ना? रीएडजस्टमेंट हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को धक्का नहीं पहुंचे, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड एज रीएडजस्टमेंट. एंड ये आपका रीएडजस्टमेंट ऐसा है कि आपकी ओरिजिनल इक्वेशन एज इज रह जाएगी. सो दिस इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर. और नीचे वाली टर्म हम नीचे जैसे कि वैसे रख ले. सो दिस इज rg tan theta, ठीक है ना? अरे क्लियर है? हां. अब देख इधर, अब ऊपर भी अंडर रूट आ गया, नीचे भी अंडर रूट आ गया. मैं दोनों को कॉमन अंडर रूट ले लेता हूं, तो 2 पाई बाहर आ जाएगा. सो दिस इज r स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg tan theta, ठीक है ना? और ऊपर r स्क्वायर आ गया, नीचे r आ गया, ठीक है? तो ऊपर एक ही r बच गया. सो t इज इक्वल टू अगेन दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर डिवाइडेड बाय जी टैन थीटा. आर डिवाइडेड बाय और जी का नाम हम लोग पहले निकाल, सॉरी टैन थीटा हम लोग पहले निकाल चुके थे. कहां निकाल चुके? आर अपॉन एच. क्या निकाल चुके हम लोग? आर अपॉन एच निकाल चुके हैं. चल देख इधर अगेन. सो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, ठीक है, आर डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, आर अपॉन एच लगा ले, ठीक है? या अदरवाइज मैं क्या कर लेता हूँ? इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर लेता हूँ. चलेगा क्या? साइन थीटा अपॉन, ठीक है? हाँ. अगेन सो दिस इज टी इज इक्वल टू, अच्छा ये कॉस थीटा क्या ऊपर? तो कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा ना, ठीक है? सो अगेन दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है? अच्छा अब आर को फिर से रिप्लेस कर देंगे हम लोग. अब वहां से हम लोग साइन थीटा बनाओ, फिर से ट्रायंगल में से साइन थीटा लगा. तो साइन थीटा इसी वस्तु क्या हो जाएगा? साइन थीटा स्मॉल आर अपॉन एल. साइन थीटा क्या हो जाएगा? थीटा का ये अपोजिट साइड है ना, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस आता ना, तो स्मॉल क्या हो जाएगा तेरा? स्मॉल आर अपॉन, कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, चल देख मैं साइन थीटा यहां रख देता, ठीक है? स्मॉल आर अपॉन एल. सो अगेन टी इज इक्वल टू 2 पाई, देख अच्छे से, आर कॉस थीटा जैसे के वैसे रह गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय जी. और साइन थीटा, साइन थीटा क्या निकाले हम लोग? आर अपॉन, ये आर आर कैंसिल हो गए. अरे आर आर कैंसिल हुआ क्या? ठीक है, एल ऊपर, तो टी इज इक्वल टू आ गया दिस इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन, अब एल अपॉन जी आ गया. अगेन दिस इज यहां कॉस थीटा, ठीक है? हाँ, कॉस थीटा हम लोग निगलेक्ट करेंगे थोड़ी देर. चलिए इधर क्लियर हो गया. सो दिस इज एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी. अब अगर थीटा बहुत छोटा है तो कॉस थीटा निगलेट हो जाएगा. और निगलेशन कैसे होता है? मैंने इसके प्रीवियस में भी समझा दिया था, याद है तुम लोग? निगलेशन ऑफ कॉस थीटा, अगर थीटा इज वेरी स्मॉल देन कॉस थीटा इज निगलेट. इस थीटा नहीं मानता, अगर थीटा अगर बहुत छोटा है तो कॉस थीटा निगलेट करते हैं हम लोग. कैसे? व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस जीरो? व्हाट इज वैल्यू ऑफ कॉस जीरो? कॉस जीरो. अच्छा तू 1 के सामने चलते रहे तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? cos 90 कितना होता है? जीरो. cos 90 कितना होता है? जीरो. तो जीरो से सामने चल तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है? डिक्रीज हो रही है. अच्छा डिक्रीज क्या 1 से भी छोटी हो रही है?
जो 1 से भी छोटी हो रही है ना, अगर थीटा अगर बहुत छोटा है तो क्या कॉस थीटा का वैल्यू फिर से कम हो जाएगा? अगर कम हो गया तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, निग्लेक्ट, क्या कर लेंगे इसको? और चल जिस समय मैं इसको निग्लेक्ट करूंगा तो देख, निग्लेक्ट होने के बाद में टी का इक्वेशन क्या बनेगा, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन, अच्छे से याद करो यही तेरा इक्वेशन है पीरियोडिक टाइम का, इसको पहले भी देखा होगा, ठीक है, बहुत पहले आपने टेंथ में भी देखा होगा, इसको हम लोग ने भी डायमेंशन में एनालिसिस में भी सॉल्व किया था, याद आया? सो अगेन दिस इज द पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, सो दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है, तो यहां तक तो इक्वेशन उसके लिए होगी जो हम लोग ने पीरियोडिक टाइम निकालना, ठीक है, तो जो इक्वेशन मैंने यहां निकाला है, सो दिस इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम ऑफ कॉनिकल पेंडुलम, ठीक है. नाउ ऑल्सो इक्वेट इट्स टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग, टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग भी निकालनी है, ठीक है, टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग के लिए ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? अरे कोई डाउट है क्या? चले सामने चलते हैं अगेन. सो अब मेरे को इक्वेशन निकालनी है टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग के लिए, तो टेंशन जनरेटेड इन द स्ट्रिंग के लिए मेरे पास में टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, मैं क्या कर लेता हूं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग और साथ में एडिंग कर दो, क्लियर, स्क्वायरिंग और साथ में, चल स्क्वायरिंग साथ में एडिंग, तो पहले आ जाएगा तेरा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर, कोई डाउट यहां तक? चलिए तो पहली इक्वेशन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन मैं स्क्वायरिंग भी कर रहा हूं तो यहां आ जाएगा इसका स्क्वायर, क्लियर, और साथ में ऐड भी कर रहा हूं तो यहां पे प्लस और यहां आ जाएगा एम जी का स्क्वायर, ठीक है, चलिए और सामने चलते हैं अगेन. सो दिस इज यहां से टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टी स्क्वायर गेट कॉमन, ठीक है, बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर और इसका फिर से स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो गया बताने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर से रिप्लेसमेंट देखिए अच्छे से, है ना. So now this is mv square divided by r. So this is v square and we have the equation of v. ठीक है, और v square का भी equation है. This is rg tan theta. So put the equation of v square here. So again t square is equals to, देख इधर m जैसे के वैसे, v square is rg tan theta divided by r और इसका whole square. Clear? और अगेन mg जैसे कि वैसा रखेंगे प्लस mg का होल स्क्वायर, ठीक है. हाँ चलिए अगेन t स्क्वायर इज इक्वल टू, देख क्या है, कैंसिल हो गया आर आर कैंसिल, अरे कैंसिल हो गया, तो यहां आर आर कैंसिल, बचा mg tan थीटा, क्या बचा mg और इसका क्या बचा होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, tan थीटा फिर से निकाल चुके हम आर अपॉन एच, क्या निकाल चुके हम लोग, दिखाई पड़ रहा है यहां पर. सो अगेन tan थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन, सो अगेन पुट द वैल्यू ऑफ tan थीटा हियर, सो अगेन t स्क्वायर बिकम्स t स्क्वायर इज इक्वल टू mg जैसे के वैसे, ठीक है, r अपॉन, यहां आगे तेरा r अपॉन h यहां होल स्क्वायर प्लस mg होल स्क्वायर, ठीक है. सो ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब एम जी का भी होल स्क्वायर, आर अपॉन एच का भी होल स्क्वायर, यहां एम जी का होल स्क्वायर और ये एम जी का होल स्क्वायर, कॉमन निकल जाता है, ठीक है, और कॉमन निकलने के बाद में इक्वेशन देख फिर से. सो अगेन दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी का होल स्क्वायर कॉमन, बचा देख आर अपॉन एच का आर डिवाइडेड बाय एच का होल स्क्वायर प्लस वन, क्लियर, वन ही तो बचा उधर, एम जी स्क्वायर कॉमन लिया हम लोग ने, लिया है क्या mg स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है, चल देखिए स्क्वायर और इधर चले जाएगा तो हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है. सो अगेन दिस इज स्क्वायर, इधर आ गया स्क्वायर रूट हो गया, कई लोगों की एक्सप्रेशन पता नहीं कैसे कैसे दिखाई पड़ रहा है, अब मेरे को मजा आ रहा है तुम्हारी हालत देख करके. हाँ सो अगेन दिस इज mg का होल स्क्वायर, सो अगेन व्हाट रिमेंस r अपॉन h का होल स्क्वायर, ठीक है जी,
ठीक है, तो यहाँ से mg होल स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट इसके लिए कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो t बच गया mg बाहर, ठीक है, अंडर रूट ऑफ r अपॉन h का होल स्क्वायर प्लस दिस इज द इक्वेशन फॉर टेंशन जनरेटेड इन द स्प्रिंग ऑफ कॉनिकल, एंड दिस इज द इंटायर एक्सप्रेशन डेरिवेशन फॉर कॉनिकल. Thank you.